स्टूडेंट्स इस लेक्चर में हम प्लान किंगडम की फर्स्ट ग्रुप दैट इज योर एल ये स्टार्ट करेंगे और इसकी फर्दर सब ग्रुप्स क्या हैं क्या क्या चीज़ें वो सारी चीज़ें देखेंगे सो so, जैसे कि मैंने कल आपको बताया था एल गी प्लान किंगडम का पहला ग्रुप है फर्स्ट ग्रुप दैट मीन्स प्रिमेटिव टाइप ऑफ प्लांट विच एवर अकर ऑन योर अर्थ ठीक तो अर्थ में आने वाले सबसे पहले प्लांट इसका मतलब सबसे ज़्यादा प्रिमेटिव यही है सो लेट्स स्टार्ट एलगी आर क्लोरोफिल बियरिंग सिंपल थैलॉइड ऑटोट्रॉपिक एंड लार्जली एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म क्या कह रहे हैं एलगी प्लांट किंगडम से है तो ऑबियसली एक प्रोसेस करते होंगे कॉल्ड इज दी फ़ोटोसेंथिसिस फ़ोटोसेंथिसिस का मतलब सिंथेसिस मतलब बनाना फ़ोटो मतलब लाइट की प्रेजेंस में बनाना तो लाइट के प्रजेंस में बनाते हैं इसका मतलब वो सनलाइट को कैप्चर कर सकते हैं और उसे एनर्जी के सोर्स की तरह यूज़ कर सकते हैं तो जो कैप्चरिंग है उसके लिए इन्हें चाहिए होता है मॉलिक्यूल जिसे कहते हैं क्लोरोफिल सो so क्लोरोफिल के हेल्प से वो सनलाइट की एनर्जी को कैप्चर करते हैं सिंपल ऑफिस बात है ये सेलुलर लेवल तक है इनमें अभी आपको टिश्यू लेवल नहीं आया है ऑर्गन सिस्टम आना तो फिर दूर की बात ही है सो so ये सिंपल है इनमें टिश्यू और ऑर्गन सिस्टम लेवल आपको नहीं देखने मिलेगा थारॉइड नॉर्मली हमारा जो प्लांट है ये सॉइल सर्फेस है तो प्लांट हमारे ऐसे ग्रो करते हैं राइट बट ये क्या है अगर ये सबस्ट्रेटम है तो ये ऐसे ग्रो करेंगे हॉरीजोनटली तो कोई भी चीज़ अगर हॉरिजोनटल एक्सिस पे ग्रो कर रही है तो उसे थैलॉयड कहते हैं आपकी जो फंगस अगर आपको याद हो मैंने बताया था कि पहले वो हॉरिजोटली ग्रो करती है फिर ऊपर से कुछ ऐसे हाइफे देती है तो वो भी थैलॉइड स्ट्रक्चर शो करती है तो जो भी चीज़ हॉरिजोटल एक्सिस पे स्टार्ट करे ग्रो करना उसे थैलॉयड कहते हैं लार्जली एक्वेटिक मैं मोस्टली आपको ये एक्वेटिक ही मिलेंगे एक्वेटिक में ये फ्रेश वाटर में भी मिल सकते हैं आपको मरीन भी मिल सकते हैं अब ये मोस्टली तो एक्वेटिक हैं बट इसके अलावा ये अदर हैबिटेट्स में भी आपको मिल सकती हैं जैसे मॉइस्ट स्टोन सॉइल्स एंड वुड मॉइस्ट स्टोन मतलब वो पान पत्थर जो आपके पानी के आसपास पड़े रहते हैं आप उनमें देखेंगे कि कुछ ग्रीन ग्रीन सा लगा हुआ होता है एक्चुअली एलगी अगर आप इमेजिन करना चाहते हैं ना तो आप पॉन्ड आपने देखा होगा अपने आस पास या ऐसे छोटे बड़े गड्ढे होते हैं जिनमें पानी ऐसे रुका हुआ पानी प्रेजेंट होता है तो उसके ऊपर ऐसे आप देखते हैं ग्रीन ग्रीन कलर का कुछ ऐसे जम जाता है जिसे कहते हैं काई तो वो काई जो है दैट इज़ दी एलगी सॉयल सॉयल के अंदर सॉइल के ऊपर ही मिलेंगे आपको वुड है वुड पे बट कंडीशन यही चाहे वो सॉइल हो वुड हो या स्टोन हो इन सब को मॉइस्ट रहना जरूरी है ठीक लकड़ियाँ ऐसे रखी रहती है बारिश का टाइम जब चलता है और अगर अच्छे से धूप नहीं निकली हर दूसरे तीसरे दिन बारिश हो रही है तो आपको वुड्स के लॉग्स पर भी अगर ये लॉग है तो यहाँ आपको ऐसे कुछ ग्रीन 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 सा ऐसे ग्रो किया हुआ दिखाई देगा दैट इज़ अगेन यूर एल्गी सम देम ऑल्सो अकर इन एसोसिएशन विथ फनजाई इसके अलावा ये दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ एसोसिएट करते हुए भी नजर आएंगे जिसमें से आपका कौन सा ऑर्गेनिज्म है फंजाई हमने पढ़ा था बायलॉजिकल क्लासिफिकेशन में कि कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं आपके जो आर एच बिटाकर ने जिसे अपनी किंगडम में प्लेस नहीं दी थी उसमें एक आपका क्या था लाइकन भी था सो इसमें क्या था लाइकन आपका क्या है जब एल्गी और फंजाई एक दूसरे की हेल्प के लिए एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं उसे लाइकन कहते हैं इस एसोसिएशन को हमने क्या कहा था सिम्बायोटिक एसोसिएशन ठीक एल्गे वाले कंपोनेंट को हमने क्या कहा था माइको बायड फंजाई वाले को क्या कहा था अरे एलगे वाले कंपोनेंट को हमने कहा था फाइकोबाइंड और फंजाई वाले को हमने कहा था माइकोबाइंड राइट अपार्ट फ्रॉम फंजाई दे में आल्सो इन एसोसिएशन विद एनिमल ये एनिमल के ऊपर भी मिल सकते हैं आपको जैसे कौन स्लॉथ बियर ठीक तो ये उनके ऊपर भी आपको लगे हुए दिख सकते हैं तो ये बात हो गई आपके हैबिटेट की अब इनके फॉर्म्स की और साइज़ की बात करें द फॉर्म एंड साइज ऑफ़ एल्गी इज़ हाईली वेरिएबल पहला ही आपको बता दिया कि एक जैसे नहीं है आपको छोटे बहुत माइन्यूट फॉर्म भी मिल सकते हैं उनसे थोड़े से बड़े फॉर्म भी मिल सकते हैं रेंजिंग फ्राम कॉलोनियल फॉर्म्स लाइक वॉलवर्कस एंड द फिलामेंटस फॉर्म यू एंड इस्पायर वगैरह अब ये क्या कह रहे हैं ये आपको कॉलोनी में भी मिल सकते हैं ये आपको फिलामेंटस फॉर्म में भी मिल सकते हैं ठीक इस फॉर्म में भी मिल सकते इनफैक्ट जो एक एल्गी है जिसे कहते हैं क्लिमाइडोमोनाज वो यूनिसेलुलर है और वो अकेले ऐसे मिल सकता है ठीक और वॉलवॉक्स जो है वॉलवॉक्स भी अगर एक वॉलवॉक्स हो गए तो वो आपको यूनिसेलुलर ही है बट यहाँ पे क्या हो गया कि बहुत सारे यूनिसेलुलर मिल के कॉलोनी बना लेते हैं और ये कॉलोनी में ही वॉलवॉक्स आपको मिलने वाला है इसीलिए वॉलवॉक्स की जो कॉलोनी है वो मल्टी सेलूलर होती है ओरिजिनली अगर एक सेल उठा के देखेंगे तो तो एक सेल है दो तो है तो वोलवेक्स अपने आप में ऑर्गेनिज्म यूनीलुलर है बट आपको कॉलोनियल फॉर्म भी मिलता है वो सो तो उसकी कॉलोनी मल्टी होती है तो इस फॉर्म में मिल सकते हैं सिंगल सेल या कॉलोनी फॉर्म में मिल सकती है इनफैक्ट फिलामेंटस फॉर्म में भी मिल सकते हैं इनफैक्ट उसमें से कुछ मरीन फॉर्म्स हैं जैसे कैल्प कहते हैं वो मैसिव प्लांट बॉडी फॉर्म करता है मैसिव प्लांट बॉडी का मतलब ये नहीं आप बड़े बड़े ट्रीज दिखेंगे ये ऐसे दिखेंगे छोटे से ऐसे माइन्यूट ट्री लाइक स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट हंड्रेड मीटर तक उनकी हाइट जाती है सो हंड्रेड मीटर लेंथ के आपको ऐसे छोटे से हल्प की तरह थोड़ा सा लुक देते हैं आपको द दलगे रिप्रोड्यूस अभी हो गए इनकी फॉर्म्स की बात अब इनके रिप्रोडक्शन की बात करते हैं कि इनका रिप्रोडक्शन कैसा है रिप्रोडक्शन एल्गी के अंदर आपका जो है ये आपको वेजिटेटिव मिल सकता है ठीक उसके अलावा आपको एसेक्शुअल भी मिल सकता है एंड देन आपको सेक्शुअल रिप्रोडक्शन भी मिल सकता है सो so, आपको रिप्रोडक्शन में तीनों तरह का है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इनका जो है वो फ्रेगमेंटेशन के थ्रू है फ्रेगमेंटेशन के थ्रू जैसे फॉर एग्जांपल ये था आपका एल्गी फिलामेंटस एल्गी अब अगर इसका ये फिलाेंट ऐसे टूट गया तो ये फिलामेंट कैपेबल है कि वो नया एल्गी बना दे नया थैलस बना दे थैलस नए एल्गी को ही हम थैलस उसकी बॉडी को थैलस कह सकते हैं जैसे फनजाई में हमने यूड किया यूज़ किया था डम माइसीलियम वैसे एल्गी में आप टर्म यूज़ कर रहे हो थैलस ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इज़ बाई दी प्रोडक्शन ऑफ़ डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में आपके क्या बनेंगे स्पोर्स बनेंगे और ये स्पोर्स जर्मिनेट करके आपको न्यू थैलस देंगे यानी न्यू एलगे देंगे जो मेनली स्पोर्स आपको एलगे के अंदर देखने मिलते हैं वो हैं ज़ू स्पोर्ट्स अगेन आप याद करो फनजाई जब मैं पढ़ा रही थी कि जो स्पोर मोटाइल होते हैं मूव कर सकते हैं उन्हें जू स्पोर कहा जाता है ठीक सो बाई प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ दी मोस्ट कॉमन बींग इज द जो स्पॉट ठीक दे आर फ्लैजिलेटेड मोटाइल एंड फ्लैजिला होगा एंड ऑन जर्मिनेशन गिव राइज टू न्यू प्लांट सेक्शुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस थ्रू फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इनका गैमेट के फ्यूजन से होता है ऑब्वियसली सेक्शुअल रिप्रोडक्शन है दैट मीन्स उसमें दो तरह के मेल और फीमेल गैमेट्स इन्वॉल्व नहीं होने, ही होने अब जो ये गैमेट है इनका सेप और साइज कैसा है उसके बेसिस पे आपका जो सेक्शुअल रिप्रोडक्शन है वो तीन तरह का हो सकता है आइसोग अन आइसोगैमिस एंड ओ ठीक आइसोग अन आइसोग एंड ओ गमिस में क्या होता है जो मेल और फीमेल गैमेट है या तो दोनों ही बड़े होंगे या तो दोनों ही छोटे होंगे या तो दोनों के पास फ्लैजिला होगा या दोनों के पास फ्लैजिला नहीं होगा सो so, एक तो शेप भी इनकी सेम होगी या तो फ्लैजिला होगा या फ्लैजिला नहीं होगा और उसके अलावा साइज़ भी अगर एक छोटा है तो दूसरा भी छोटा होगा एक बड़ा है तो दूसरा भी बड़ा होगा तो शेप एंड साइज़ दोनों ही होंगे इसमें ये क्या बता रहे हैं कि यूलॉथ्रिक्स इस वाले केस में आता है कि उनकी साइज तो सेम है बट वो फ्लैजिलेटेड है ठीक तो आ, इनकी साइज सेम है या तो छोटे होंगे या तो बड़े होंगे लेकिन क्या होगा उनके पास फ्लैजिला होगा दूसरा इन्होंने दिया स्पायरोगरा इनके गैमेट या तो छोटे होंगे या तो बड़े होंगे साइज सेम होगी बट बिना फ्लैजिला के होंगे तो फ्लैजिला के साथ सिमिलैरिटी दिखाएंगे यूलोथ्रिक्स में और बिना फ्लैजिला के साथ सिमिलैरिटी दिखा रहे हैं आपके स्पायरोगैरा में ऐसे रिप्रोडक्शन को आप आइसोग कहते हो फ्यूजन ऑफ टू गैमस डिसिमिलर इन साइज़ ये क्या बता रहे हैं कि साइज़ जो है इनकी डिसिमिलर होगी अगर एक बड़ा है जैसे मेल बड़ा है तो फीमेल छोटी होगी फीमेल बड़ी है तो मेल छोटा होगा ठीक तो साइज़ में डिफरेंस दिख गया बट इनका शेप सेम होगा एक के पास फ्लैजला है तो दूसरे के पास भी होगा एक के पास नहीं है तो दूसरे के पास भी नहीं होगा तो ये आपका अन आइसोग इसमें देखने मिलता है आपको यूडोरिना में थर्ड इज़ योर वो गैमेस इसमें क्या गया है शेप और साइज दोनों ही डिफरेंट हैं इसमें ठीक एक इसमें बड़ा गैमेट है और एक इसमें छोटा गैमेट है बड़ा है और छोटा है और एक के पास फ्लैजला है दूसरे के पास नहीं है तो यूजली जो सॉरी यहाँ ड्रॉ करना था एक बड़ा है एक छोटा है और जो छोटा है इसके पास फ्लैजला है और बड़े के पास नहीं है यूजली जो ये बड़ा वाला गैमेट है आपका ये क्या है नॉन मोटाइल फ़ीमेल गैमेट है ये और जो स्मॉलर मोटाइल है वो मेल गैमेट है इसको हम कहते हैं वो गैमेस या आपको देखने मिलता है वॉलवॉक्स और फ्यूकस में तो वो गैमस में तो इन्होंने बता दिया कि जो बड़ा वाला है वही फ़ीमेल गैमेट होगा और वो नॉन मोटाइल होगा अनाइसू गैमिस में आपका मेल और फीमेल में से कोई भी बड़ा वो हो सकता है बट नाइनटी एट परसेंट चांसेस यही होते हैं कि जहाँ पर जो बड़ा है वो आपका फीमेल गैमेट ही है अब इन्होंने आपको एल्गी के एग्जाम्पल्स बताए हैं यहाँ पर जिसमें से पहला आपका दिखाया गया है जो ए है ये ग्रीन एल्गी है ग्रीन एलगी आपके डिपेंडिंग अपॉन उनका कलर क्या है हमने उन्हें तीन में बताया ग्रीन एलगी अगर उनका कलर अगर ग्रीन है रेड एलगी उनका कलर अगर रेड है ब्राउन एलगी अगर उनका कलर ब्राउन है तो जो ये ऊपर वाले एग्जाम्पल हैं आपके ग्रीन एलगी के हैं ये वॉलबॉक्स की कॉलोनी और ये फिलामेंटस फॉर्म है यूलोथ्रिक्स की तो ये वॉलबॉक्स की कॉलोनी है ये पूरी जो है पैरेंट कॉलोनी और पैरेंट कॉलोनी के अंदर ये नए नए डॉटर कॉलोनी भी हो सकते हैं यानी जब ये डिटैच होंगे छोटे वाले तो ये फिर से इतनी बड़ी कॉलोनी बनाएंगे ठीक ये आपका फ्रैगमेंट्स में कौन है ये है आपका इलाज्रिक्स ये जब ऐसे बीच में से टूटेगा तो ये भी कैपेबल है नया थैलस बनाने के सेकेंड आपका आ जा रहा है ब्राउन एल्गी ब्राउन एलगी में इन्होंने तीन एग्जाम्पल दिए हैं लेमिनेरिया फ्यूकस डिक्टियोटा। तो इसमें आपको मैसिव बॉडी आपको देखने मिल सकती है आप देखिए किस तरह है ये कहाँ पे ये इस इस तरह थे लेकिन यहाँ पे आप देखिए कि दो रूट स्टेम लीफ आपको नहीं दिखाई दे रही बट ऐसा कुछ लग रहा है कि जैसे कुछ है कहीं ये देखिए लीफ के जैसे खड़े हैं ये वाला जो पार्ट हो स्टेम जैसा लग रहा है तो ये थोड़ा फिर उसके बाद आप रेड एल्गी में आई ये जो रेड एल्गी के एग्जाम्पल हैं ये तो पूरा ऐसे थाइलस की तरह लग रहा है पूरा थैलस है लेकिन यहाँ पे देखिए ऐसा लग रहा है छोटा सा श्रब है तो इनका रेंज देखिए कितने कितने फॉर्म्स में आपको दिख रहे हैं कॉलोनी फिलाेंटेस यहाँ पे थोड़ा प्लांट जैसा स्ट्रक्चर यहाँ पे अगेन थैलॉइड लाइक स्ट्रक्चर और ये अगेन अच्छे से प्लांट लाइक स्ट्रक्चर अब रिप्रोडक्शन हो गया अब एलगी की इम्पोर्टेंस क्या है ठीक एलगी आपकी जो है दे आर यूजफुल टू मेन इन वराइटी ऑफ वेज लीस्ट हाफ ऑफ द टोटल कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन ऑन अर्थ इज कैरीड आउट बाई एलगी थ्रू फोटोसेंथेसिस सबसे मेन काम अर्थ पे जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन हो रहा है ठीक यानी जो फोटोसेंथेसिस हो रही है वो आपका कौन उसमें से हाफ फिफ्टी परसेंट अकेले कौन करता है आपका एल तो जो भी फोटोसिंथेसिस आपका हो रहा है अर्थ पे उसमें से फिफ्टी परसेंट तो अकेले एल ने कर दिया आपके जो छोटे छोटे प्लांट्स हैं ना माइनड माइनेट से ये ज़्यादा रोल प्ले कर रहे हैं इन कम्पेरिटिवली टू जो ये बड़े बड़े से प्लांट आपको दिखाई दे रहे हैं जो फोटोसेंथिसिस ऑक्सीजन जो आपको मिल रही है ये सब मेनली काम आपका किसका है जो ये आपको ओशियन या वाटर बॉडीज़ में जो प्लांट्स देखने मिलते हैं मेनली ये उनका काम है यहाँ पे एल आ गया अगर आपको याद हो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हमने प्रोटिस्ट पढ़ा था प्रोटिस्ट के अंदर ग्रुप था आपका क्राइजोफाइट क्राइजोफाइट के अंदर आपने पढ़ा था डाई एटम्स उन्हें भी कहा गया था कि वो चीफ प्रोड्यूसर हैं तो एल्गी उसके बाद डाई ऐटम्स ये सारे मिल आपका फोटो का बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं बींग फोटो सिंथेटिक दे इंक्रीज द लेवल ऑफ डिजोल्व ऑक्सीजन इन दर इमीडिएट इन्वायरमेंट अब कोई भी चीज़ अगर फोटो सिंथेसिस कर रही है दैट मीन्स वो ऑक्सीजन रिलीज कर रही है इनवायरमेंट में अब एल्गी का एन्वायरमेंट क्या है वाटर बॉडी ये वाटर में रहते हैं तो ये वाटर का ऑक्सीजन रिलीज़ कर और वाटर में ऑक्सीजन की क्वांटिटी बढ़ा रहे हैं तो वाटर में ऑक्सीजन की क्वांटिटी बढ़ा रहे हैं मतलब वाटर के अंदर ऑक्सीजन वाटर में मिल के रहता है राइट अगर ये पानी है तो इस पानी के अंदर ऑक्सीजन बढ़ रही है यहाँ पर ऑक्सीजन बढ़ रही है तो इस ऑक्सीजन को जो वाटर के अंदर प्रेजेंट है कहते हैं डिजॉल्व ऑक्सीजन ठीक सो ये हो गया वो अपने इमीडिएट इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन रिलीज करते हैं then they are of paramount and they are of paramount importance as primary producer of energy rich compound which form the basis of the food cycle of all aquatic animal अब ये क्या है जो energy rich compound आपकी बनती है energy rich compound मतलब जिसके अगर bond तोड़ा जाए तो उसमें से बहुत सी energy निकलेंगे इसमें से आपका एक ATP है ठीक एटीपी टी बी क्या एडोनस इन ट्राई फॉस्फेट इसमें से जब ट्राई फॉस्फेट यानी तीन फॉस्फेट है तो जब फॉस्फेट है इसकी जब एनर्जी बॉन्ड तोड़ोगे जो फॉस्फेट की बॉन्ड है और इससे डाई फॉस्फेट करोगे और एक फॉस्फेट को निकाल लोगे तो उससे काफ़ी ज़्यादा एनर्जी रिच निकलती है तो इसी को एनर्जी रिच कंपाउंड कहते हैं तो उसके प्राइमरी प्रोड्यूसर आपके यही हैं एलगी और जो ये एनर्जी रिच कंपाउंड्स होते हैं ये एक्वेटिक एनिमल का जो फूड साइकिल होता है उसका बेसिस फॉर्म करते हैं इनफैक्ट कोई भी फूड साइकिल हो उसमें आपका एनर्जी रिच कंपाउंड बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं बिकॉज आप उन्हीं को तो लेते हो मैं प्लांट को अगर खा रही हूँ तो मुझे उससे क्या मिल रही है वो एनर्जी तो नहीं मिल रही है सो दैट इज़ वॉट मैनी स्पीशीज़ ऑफ पॉलाइरा लेमिनेरिया एंड सार्गेसम अमंग दी सेवनटीन स्पीसीज़ ऑफ मरीन एलगी एज फूड तो पहला ये यूज़ हो गया दूसरा आ गया आपको एलगी की बहुत सी ऐसी स्पीशीज़ हैं ऑलमोस्ट सेवेंटी स्पीशीज जिसे आप फूड की तरह यूज़ करते हो एग्जाम्पल आपने दिया है पॉलफाइरा लेमिनेरिया एंड सार्गसम तीसरा यूज़ कुछ मरीन ब्राउन और रेड एलगी हैं जो क्या बनाती हैं हाइड्रोकोलाइट्स हाइड्रोकोलाइट्स मतलब जो वाटर को होल्ड कर सके जैसे आपने उनके अंदर पानी पानी मुँह से जब रख दिया तो वो पूरे पानी को सोख लेगा एबजॉर्ब कर लेगा तो उसको कहते हैं वाटर होल्डिंग सब्सटेंस ये कौन है आपके एलजीन है और कैराजिन है तो ये दो हाइड्रोकोलाइड है एलजीन आपने मिलता है ब्राउन एल्गी से और कैराजिन आपने मिलता है रेड एल्गी से ये यूज़ किए जाते हैं कमर्शियली है। हमें पता है इनका बहुत इंपॉर्टेंट यूज़ है आपको स्पंज और उसकी जो बनती है आपको इनफैक्ट जो स्पंज ये सब चीज़ें बनती है वहाँ पर हमें होल्डिंग सब्सटेंस की जरूरत होती है सो तो इन सब को कमर्शियली बहुत सारी जगहों पर यूज़ किया जाता है देन फोर्थ एगर वन ऑफ़ द कमर्शियल प्रोडक्ट ऑप्टेन फ्रॉम जेलीडियम एंड ग्रासिल एरिया आर यूज टू ग्रो माइक्रोव्स एंड इन प्रिपरेशन ऑफ आइसक्रीम एंड जेलीस अगेन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट जो आपकी कन्फेक्शनरी uh, में इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है आपकी रिसर्च इसमें बहुत ज़्यादा यूज़ होता है कौन है वो एगर ये मिलता है आपको रेड एलगी जेलीडियम और ग्रेसी एरिया से ये क्या करता है जो भी आप जेली खा रहे हो ये किस वजह से बने क्योंकि उसके अंदर एगर पड़ा हुआ है अगर मैं अगर ना डालूँ तो वो जेली नहीं बनेगा ठीक तो जहाँ पे भी वो जेली जैसा आपको कोई भी स्वीट डिश या कुछ भी अगर आपको जेली जैसा मिल रहा है दैट मीन्स उसमें अगर डला हुआ है दूसरा अगर आप यूज़ करते हो माइक्रोब के ग्रोथ के लिए माइक्रोव में आपके आ गए बैक्टीरिया मेनली अब जैसे मुझे किसी को ग्रो करना है बैक्टीरिया को मैं चाहती हूँ कि मैं उसकी ग्रो कराऊँ तो मैंने एक मीडियम में बहुत सारा अगर लिया और इसमें एक बैक्टीरिया डाल दिया अब ये अगर को ऐसा फूड सोर्स यूज़ करेंगी और वो उसमें ग्रो करके अपने नंबर इंक्रीज़ करेंगी तो अगर बेसिकली माइक्रोब्स के लिए फ़ूड का सोर्स प्ले करता है क्लोरेला यूनिसेलुलर एल्गा रिच इन प्रोटीन इज़ यूज एज फूड सप्लीमेंट इवन बाई स्पेस ट्रैवलर क्लोरेला को हम स्पेस एल्गी भी कहते हैं इसके अंदर बहुत ज़्यादा प्रोटीन है तो स्पेस ट्रैवलर्स क्या करते हैं इन्हें लेके जाते हैं और जब भी आ, उन्हें एनर्जी की क्रेविंग होती है कुछ है, तो वो प्रोटीन को कंज्यूम करते हैं अब आप भाई स्पेस पे जा रहे हो दाल चावल चीज़ें लेके तो जा नहीं सकते ना बट प्रोटीन इनटेक तो आपने लेना ही है तो प्रोटीन सोर्स के लिए वो क्लोरेला को यूज़ किए जाते हैं अब एलगी को डिवाइड किया गया तीन मेन क्लासेस में, में क्लोरोफाइसी फियोफाइसी एंड रोडोफाइसी डिपेंडिंग अपॉन उनके पास पिगमेंट क्या है फिर उनके जो ये गैमेट बन रहे हैं वो गैमेट कैसे बन रहे हैं ये सारी चीज़ों के बेसिस पे इन्हें फियोफाइसी रोडोफाइसी क्लोरोफाइसी में किया गया है मेनली तो ये डिवीज़न उनके पिगमेंट के बेसिस पर हुआ है जो उन्हें कलर इम्पार्ट कर रहा है सो so, सबसे पहला है आपका क्लोरोफाइसी नाम से ही आपको समझ में आ रहा है क्लोरो क्लोरोमीन्स क्लोरोफिल और है क्लोरोफिल तीनों के पास बट इनके पास क्लोरोफिल पिगमेंट्स वो वाले जो ग्रीन कलर ही इम्पार्ट करते हैं जैसे क्लोरोफिल में आपको कुछ एक्सेसरी पिगमेंट होते हैं और कुछ आपके मेन पिगमेंट होते हैं ठीक तो ये सारी चीज़ें होती है तो इनके पास मेनली जो पिगमेंट है वो सिर्फ क्लोरोफिल है उसके अलावा कोई और पिगमेंट नहीं है तो जब सिर्फ क्लोरोफिल होगा तो आपका ग्रीन कलर आएगा और स्पेशली क्लोरोफिल का एक पिगमेंट है बी अगर क्लोरोफिल बी प्रेजेंट है दैट विल गिव यू ग्रीन कलर द मेंबर ऑफ क्लोरोफाइज आर कॉमनली कॉल द ग्रीन एलगी इनका कलर ग्रीन है इस वजह से इन्हें ग्रीन एलगी कहा जाता है द प्लांट बॉडी में भी यूनिसेलुलर कोलोनियल और फिलामेंटस इनकी प्लांट बॉडी यूनिसेलुलर हो सकती है जो आपका मैंने बताया था क्लेमाइडोमोनास है कॉलोनी हो सक कॉलोनियल हो सकती है ये आपका था क्लेमाइडोमोनास दूसरा कॉलोनियल है आपका वॉलवॉक्स फिलामेंटस में आपका था यूलॉथ्रिक्स अच्छा एक चीज़ यहाँ पे याद रखना मैं यहाँ पे एग्जाम्पल में तो आपको क्लेमाइडोमोनास दे रही हूँ बट जितनी भी यूनिसेलुलर एल्गी हैं अगर आर एच के हिसाब से देखा जाए तो उसे उसने इसमें प्लान किंगडम से हटा के उन्होंने प्रोटेस्ट में रख दिया था ठीक तो चाहे वो यूनिसेलुलर एल्गीमाइडोमोनास हो जाए या यूनिसेलुलर एल्गी क्लोरेला हो जाए ठीक देन दे आर यूजली ग्रास ग्रीन ड्यूटी ऑफ पिगमेंट क्लोरोफिल ए एंड बी इनका कलर ग्रास ग्रीन है क्यों क्योंकि इनके पास पिगमेंट ए एंड बी है ये चीज़ याद रखना क्लोरोफिल ए तीनों एल्गी के पास है उसके अलावा एक एक क्लोरोफिल दोनों तीनों के पास और है पहले वाले के पास बी है दूसरे वाले के पास सी है तीसरे वाले के पास डी है और ए सबके पास है सो ए बी ए सी ए डी ठीक द क्लोरोप्लास्ट क्लोरोफिल ए एन बी ए क्लोरोफिल कहाँ प्रेजेंट होती है एक लोकलाइज्ड होती है एक क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोप्लास्ट एक स्ट्रक्चर है जो क्लोरोफिल को बेयर करता है अब क्लोरोप्लास्ट जो है इसका ग्रीन एल्गी के अंदर आपको वैरायटी ऑफ शेप्स में मिल सकता है बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी आपको देखने मिलती है क्लोरोप्लास्ट की सिर्फ और सिर्फ ग्रीन एल्गी में इट मे बी डिस्कवाइड यानी कि ऐसे डिस्क लाइक -like हो सकता है प्लेट लाइक रेटिकुलेट ऐसे जाला जाला बना हुआ कप शेप स्पाइरल, लाइक दिस या फिर रिबन शेप ये। तो क्लोरोप्लास्ट इसमें वेरियस शेप के हो सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज में मोस्ट ऑफ दी मेंबर्स हैव वन और मोर स्टोरेज बॉडी कॉल्ड पैरिनॉइड्स अब इनके जो मेम्बर्स होते हैं उनके पास स्टोरेज बॉडी भी है जिसमें वो अपने फूड को स्टोर भी कर सकते हैं तो वो मेनली क्या है पैरिनॉयड है पायरिनोइड का मतलब क्या हो गया इनके पास स्टार्च प्रेजेंट है स्टोरेज बॉडी में और उस स्टार्च के पेरी पे पर थोड़े थोड़े प्रोटीन्स प्रेजेंट है तो यहाँ अंदर सेंटर में स्टार्च है और यहाँ ऐसे पेरी पे पर हल्के हल्के प्रोटीन्स प्रेजेंट हैं आपको ये याद रखना है पहली चीज़ आपने ये भी याद रखना है कि कितनी वैरायटी ऑफ क्लोरोप्लास्ट आपको किस एलगी में देखने मिलते हैं वो दूसरी चीज़ जो क्लोरोफाइस है इनके अंदर स्टोरेज बॉडी क्या है पायरिनोइड और पायरिनोइड किसका बना होता है सो so मेनली तो इसके अंदर स्टार्च होता है बट थोड़ा थोड़ा प्रोटीन भी होता है सम एलगी में स्टोर फूड इन फॉर्म ऑफ ऑयल ड्रॉपलेट कुछ एल्गी होते हैं जो पैरिनॉइड के अलावा भी स्टोर कर सकते फूड को ऑयल ड्रॉपलेट के फॉर्म में ग्रीन एल्गी यूजली है रिजिड सेल वॉल मेडअप ऑफ एन इनर लेयर ऑफ सेलुलोज एंड एन आउटर लेयर ऑफ पेक्टोज अब प्लांट हैं तो ऑफिस सी बात है इनका जो सेलवाल होगा सेलूलोज को होगा बट क्लोरोफाइसी के पास का इनर लेयर में सेलुलोज तो है लेकिन आउटर लेयर में पेक्टोज भी प्रेजेंट है अब आते हैं रिप्रोडक्शन में वेजिटेटि रिप्रोडक्शन यूजली टेक्स बाई फ्रेगमेंटेशन और बाई फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर्ट तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इनका तो मेनली फ्रेगमेंटेशन से होता है स्पोर्ट्स फॉर्मेशन का मतलब स्पोर्ट्स बन गए हैं ऑलरेडी अब वो स्पोर्ट्स टूट के अगर किसी तरह बिखर जाए सो तो दैट विल बी कम वर ना इसपोर्स आपके मेली ए सेक्शुअल में आते हैं वेजिटेटिव में सिर्फ और सिर्फ फ्रेगमेंटेशन आएगा ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इज बाई फ्लैजिलेटेड ज़ू स्पोर्ट्स प्रोड्यूस इन जूसपोरेंजिया ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इनका जूसपोर्स है अभी हमने पीछे किया है और ये जूसपोर प्रोड्यूस होते हैं एक बैग स्ट्रक्चर में जिसे जूसपोरेंजिया कहते हैं स्पोरेंजिया मतलब बैग जिसके अंदर स्पोर हो और कौन से स्पोर है जू स्पोर इसलिए उस बैग का नाम दे दिया है जू सेक्शुअल रिप्रोडक्शन शो कंसिडर्बल वेरिएशन इन द टाइप एंड फॉर्मेशन ऑफ़ सेक्सेल एंड इट मे बी भी आइसोगस अनाइसोग और ओगैमस ये कह रहे हैं सेक्शुअल रिप्रोडक्शन के अंदर आपको वेरिएशन देखने मिल सकता है कि उनका डिपेंड करता है कि हर एलगी में डिफरेंट मतलब क्लोरोफाइसी के ही हर एलगी में किसी में जो सेक्सेल बन रहे वो आइसोगेमिस टाइप बन रहे हैं किसी में अनाइसोग टाइप बन रहे हैं किसी में ओगैमस टाइप बन रहे हैं तो आपको तीनों तरह के रिप्रोडक्शन यहाँ देखने मिल सकती है सम कॉमनली कॉल्ड अ ग्रीन एल्गीआर क्लेमाइडोमोनास वॉलवॉक्स यूलॉथ्रिक्स स्पायरोरा एंड कारा एग्जाम्पल्स आपने याद होने चाहिए तो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स में हमने क्या कहा ग्रीन होते हैं पिगमेंट इनके पास ए एन बी प्रेजेंट है वराइटी ऑफ क्लोरोप्लास्ट है पायरिनॉयड स्टोरेज है कुछ के पास ऑयल ड्रॉपलेट भी है वॉल जो है सेलूलोस की है थोड़ा सा पेक्टोस भी है वेजिटेटिव रिपोर्डक्शन फ्रेगमेंटेशन से एसेक्शुअुअल जूसपोर्स से और सेक्शुअल में तीनों हैं एग्जाम्पल क्लेमाइडोमोनास वॉल्स यूलॉथ्रिक्स स्पायरोरा एंड कारा अब आते हैं आपके ब्राउन एलगी में फीओफाइसी फीओफाइसी इज योर ब्राउन एलगी अभी मैंने बताया था अब इसके पास क्या होगा क्लोरोफिल ए तो था ही अब इसके पास हो जाएगा ए के बाद आएगा क्या वहाँ बी था तो यहाँ सी आएगा तो ये ब्राउन एलगी हैं ये आपको मरीन हैबिटेट एक्वेटिक ये भी है बट ये मेनली आपको मरीन में मिलेंगे ये भी अपने साइज़ और फॉर्म में बहुत ज़्यादा वेरिएशन शो करते हैं आपने देखा होगा वहाँ पे पीछे जब डायग्राम देख रहे थे यहाँ पे हमने ये देखिए ब्राउन एल्गी कितने तरह के फॉर्म है कुछ इस तरह से दिख रहे हैं किसी में इस तरह की पूरा ये ब्रांचेस की तरह लग रहा है और यहाँ पे इस मैसी ब्रांचिंग दिख रही है सो so, ये ब्राउन एल्गी है द रेंज फ्रॉम सिंपल ब्रांच फिलामेंटस फॉर्म ये सिंपल ब्रांच हो सकते हैं जैसे अभी हमने देखा कि बस एक ही दो उसके अंदर ब्रांचिंग हो फिलामेंटस भी हो सकते हैं टू प्रोफ्यूजली ब्रांच फॉर्म प्रोफ्यूजली ब्रांच हमने एक देखा था जिसके अंदर ऐसे बहुत सारी ब्रांचिंग प्रेजेंट थी एस रिप्रेजेंटेड बाई कैल्प तो जो प्रोफ्यूजली ब्रांच फॉर्म्स हैं वो आपको क्या कहते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं कैल्प कहते हैं विच में रीच अ हाइट ऑफ हंड्रेड मीटर और कैल्प कितने हाइट तक पहुँच सकते हैं हंड्रेड मीटर्स तक पहुँच सकते हैं दे पोसेस क्लोरोफिल ए कैरोन ए एन सी कैरोटिनॉयड एंड जैनथोफिल्स तो ए और सी तो है क्लोरोफिल उसके अलावा इनके पास कैरोटिनॉयड और जैनथोफिल्स हैं जिसकी वजह से इनका कलर जो है वो ब्राउन आ जा रहा है क्योंकि डोमिनेट कर रहेंगे दे वेरी इन कलर फ्राम ओलीव ग्रीन टू वेरियस शेड्स ऑफ ब्राउन डिपेंडिंग अपॉन दी अमाउंट ऑफ जैतोफिल पिगमेंट तो ये वेरी करते हैं ओलिव ग्रीन से लेके ब्राउन के डिफरेंट डिफरेंट शेड डिपेंड करता है वो जैनतोफिल की पिगमेंट कितनी है अगर ये ज़्यादा है तो ब्राउन शेड ज़्यादा डार्क होगा अगर ये कम है तो थोड़ा सा वो ग्रीन की तरफ इनका कलर होगा जैनतोफिल में भी कौन सा पिगमेंट है इनका फ्यूकोजेंथिन फूड इनमें स्टोर होता है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में वहाँ पे आपने देखा था स्टार्च था और थोड़ा बहुत प्रोटीन था यहाँ पे आपका है कार्बोहाइड्रेट वो भी कॉम्प्लेक्स यानी कि सिंपल कार्बोहाइड्रेट नहीं है सिंपल कार्बोहाइड्रेट आपका जैसे हो जाता है मोनोसेक्रेहाइड्स हैं ये आपके सिंपल हो गए और जिस तरह यूनिट्स बढ़ते जाते हैं डाई ट्राई या आपके पॉली तो उन्हें हम कॉम्प्लेक्स कहते जाते हैं ठीक और ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट का फॉर्म क्या हो सकता है लेमिनेरिन या मैनीटॉल वेजिटेटिव सेल है पर सेुलॉजिक वॉल यूजली कवर्ड ऑन दी आउट साइड बाई जिलाटनस कोटिंग ऑफ एलजिन इनका जो सेल वॉल होता है उसके पास सेलुलॉज तो प्रेजेंट है बट उसके अलावा क्या प्रेजेंट है उसके ऊपर जहाँ पे सेलुलॉज है जिलाटनस कोटिंग जिसे एलजिन कहते हैं एलजिन अभी हमने पढ़ा था ये क्या था आपका ये आपका था हाइड्रोकोलाइट था लेकिन आपने ये याद रखना है कि यह एलजिन सिर्फ वेजिटेटिव सेल्स के पास है यानी ब्राउन एल्गी के जो रिप्रोडक्टिव सेल्स होंगे जो गैमेट बनाएंगे उनके ऊपर एलजिन नहीं मिलेगा आपको दी प्रोटोप्लास्ट कंटेन इन एडिशन टू प्लास्टर सेंट्री लोकेटेड वैक्यूल एंड न्यूक्लियस ये आपके सारे एलगी में मिलेगा बिकॉज ये यूकेरियोटिक सेन है तो प्लास्टिक प्लांट है तो प्लास्टिक तो होगा ही और सैन ये, ये आपके यू कैरियोटर तो आपको न्यूक्लियस और वैक्यूल मिलना ही मिलना है द प्लांट बॉडी इज यूजली अटैच टू दबस्टाइटम बाई होल्ड फास्टाक द स्टाइप एंड लिफ लाइक फोटोसेंथेटिक ऑर्गेन द फ्रंट अब अगेन मैं आपको यहाँ दिखाती हूँ ये देखिए इनकी जो बॉडी है इसे क्या किया गया है ये जो सब से अटैच है इसे होल्ड फास्ट कहा जाता है यहाँ पे भी है और जो ये बीच में स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है इसे स्टाइप इस कहा जाता है यहाँ पे और जो ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर है जो मेनली फोटोसिंथेसिस होती है इसे फ्रंट कहा जाता है तो फ्रंट जो है ये एनालॉगस है आपके लिव से स्टाइप एनालॉगस है स्टेम से और होल्ड फॉर्स एनालॉगस है रूट से ठीक vegetative reproduction takes place by fragmentation as usual. asexual reproduction is most brown algae is by biflagellate zoospores. अब इनके पास ए एक्शुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है जो स्पोर्ट्स के थ्रू जो बाई होते हैं बट इनके अंदर एक डिफरेंस है कि वो जो इनका जू स्पोर होगा वो पीयर शेप का होगा पीयर शेप मतलब नाच पाती मैं बना नहीं पाऊँगी बट हाँ हाँ बन गया फिर भी शायद कुछ ऐसे ही होता है ठीक है पीयर शेप होता है एंड हैज टू अन इक्वल लेटरली अटैच फ्लाजिला लेटरली मतलब लेटरल साइड पे एक फ्लाजिला यहाँ तो एक फ्लाजिला यहाँ ठीक सो so, ये ऐसे होंगे तो एक यहाँ होगा एक यहाँ होगा और एक फ्लाजिला बड़ा है तो एक छोटा है इतना बड़ा भी नहीं बट मैं अब तो मैंने एक बना दिया था सेम साइज़ का तो मैंने एक को बड़ा कर दिया सो टू अन्यवली लेटरली अटैच फ्लाजिला हैं सेक्शअल रिप्रोडक्शन में भी आईसो गैमेस सन आइसो गैमेस सर अगेन इनका सेक्शुअल रिप्रोडक्शन तीनों तरह का हो सकता है यूनियन ऑफ गैमेट में टेक्स प्लेस इन वाटर आर विथ इन दी ओगोनियम इनका जो यूनियन है गैमेट का वो वाटर के अंदर भी हो सकता है या विथ इन दूगोनियम ओगोनियम का क्या है जैसे जो ऑर्गेनिज्म ओगैमस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन शो कर रहे होंगे वो एक स्ट्रक्चर बनाते हैं ओगोनियम ओके लाइक दिस स्ट्रक्चर बनता है तो जो गैमेट का फ्यूजन होगा मेल और फीमेल का वो इसके स्ट्रक्चर के अंदर होगा ठीक इनमें भी मेल और फीमेल गैमेट वाटर से फ्लोट करके आते हैं फीमेल जो आपका फीमेल थैलाइस होगा जो फीमेल एल्गी होगा उसके पास मेल ऐसे चल के आता है और फिर फीमेल रिलीज़ करती है अपनी गैमेट तो या तो उन दोनों गैमेट का फ्यूजन जो है वो वाटर के अंदर होगा या अगर वो ओ टाइप स्पीसीज है तो उस किसके अंदर होगा ओगोनियम के अंदर ओगोनियम क्या जो ओ स्पीशीज़ स्पीसीज़ हैं वो बनाती हैं एक स्ट्रक्चर जिसके अंदर फ्यूजन हो सके दी गैमेट और पैरिफॉर्म अगेन यहाँ पे भी इनके भी गैमेट जैसे जूसपोर आपका पीयर शेप पैरीफॉर्म था वैसे यहाँ पे भी सेक्शुअल गैमेट भी इनके पीयर शेप होंगे और उनके पास भी दो फ्लाजिला होगा जो लेटरली अटैच होगा और अनइक्वल होगा द कॉमन फॉर्म्स और एक्टोकार्पस डिक्टियोटा लेमिनेरिया सार्गेमेन फ्यूकस ठीक तो यहाँ पर आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है पीयर शेप गैमेट और पैरिफॉर्म शेप गैमेट और फ्लाजिला कितने हैं दो कहाँ पर अटैच है लेटरली थर्ड इज योर रोडोफाइसी रोडोफाइसी बिकॉज ऑफ रेड कलर सो दैट्स वाई रेड एलगी क्यों ये रेड कलर है इनके पास रेड पिगमेंट प्रेजेंट है आर फाइको एरेथ्रीन अब पार्ट ए और डी प्रेजेंट है क्लोरोफिल ए है फिर क्लोरोफिल डे है उसके अलावा इनके पास ये पिगमेंट है मेजॉरिटी ऑफ रेड एल्गी आर मरीन विद ग्रेटर कंसनट्रेशन फाउंड इन दी वार्मर एरियाज़ तो ये भी मेनली मरीन है और इनको आपको सबसे ज़्यादा कहीं ढूंढना है कि आपको रेड एलगी मिल जाए तो ज़्यादातर आपको वार्मर एरियाज़ में मिलेंगी जहाँ पानी थोड़ा गर्म रहता हो और ये पानी में भी वेल लाइटेड रीजन में भी रहेंगी यानी ऐसा पानी जो सरफेस के ऊपर उप, रहता है वाटर सरफेस पे ठीक एंड ऑल्सो एट द ग्रेट डेप्थ और वहाँ पे जो बहुत नीचे एकदम नीचे ओशन के सबसे नीचे वाले डेप्थ में भी आपको यही मिलेंगे जहाँ पे बहुत कम लाइट जाती है इनफैक्ट अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा डेप्थ में कौन सी एलगी होती है सो दैट इज़ योर रेड एलगी द रेड थैलाई ऑफ मोस्ट ऑफ़ द रेड एल्गी आर मल्टी सेलुलर ये मेनली मल्टी सेलूलर होते हैं सम ऑफ देम हैव कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन यानी कि कुछ है कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेइजेशन है कॉम्प्लेक्स का मतलब ये नहीं के पास टिश्यू आ जाएगा बट फिर भी आपके सिम्प्लिसिटी जो है आपका ग्रीन एलगी और ब्राउन एलगी से उनसे थोड़ा सा एडवांस हो जाता है सो so, इन तीनों में ज़्यादा एडवांस आपकी रो, रो, रोडोफाइसी है फूड जो है इनमें स्टोर होता है फ्लोरिडियन स्टार्च यानी उसमें भी स्टार्च है यहाँ पर भी बट वो स्टार्च क्या है फ्लोरिडियन स्टार्च है और इसका स्ट्रक्चर अगर आप देखेंगे तो सिमिलर होता है अमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजिन से सो अमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन से सिमिलैरिटी रखता है ये देन द रेड एल्गी यूजली रिप्रोड्यूस वेजिटेटिवली बाई फ्रैगमेंटेशन इसमें भी वही है दे रिप्रोड्यूस ए सेक्शुअली बाई नॉन मोटाइल स्पोर्ट्स अब इनका ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन होता है तो इनके जो स्पोर्ट्स बनते हैं अब तक दोनों में जू स्पोर्ट्स थे बट यहाँ पर आपको नॉन मोटाइल स्पोर्ट्स बनते हैं एंड सेक्शुअली रिप्रोडक्शन भी इनका जो है वो आपके नॉन मोटाइल गैमिट्स है यानी इनका गैमेट भी आपका जो है वो नॉन मोटाइल होता है सेक्शुअल रिप्रोडक्शन मेनली इनका होता है ओ से एंड अ कम्पनीड बाई कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट सो सेक्शुअल रिप्रोडक्शन भी हो गया इनका कैसा ओ टाइप इनका यानी मेन जो हो गए मेनली गैमेट जो होंगे इनके नॉन मोटाइल होंगे यानी खाली मेल आपका मोटाइल होगा बाकी जो नॉन मोटाइल वो हो होते हैं लेकिन इनके लाइफ में आपके ये मोटाइल गैमेट बनते ही नहीं है आपका जो मेल है वो छोटा है जो ये है और इसके पास आपके ये भी नहीं होंगे ज्ञान ये फ्लाजिला भी नहीं होंगे सो नॉन मोटाइल होता है ये अब सेक्शुल प्रोडक्शन हो गया हमें से उसके बाद इनमें पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट जैसे आपका फ्यूजन हुआ और जायगोर्ड बना तो जायगोर्ड से जो न्यू एलगी बनने तक का सफर है ये बाकी में तो डायरेक्ट बन जाता है यहाँ पे कुछ बीच में एक दो स्ट्रक्चर्स बनते हैं थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी दिखाता है उतना सिंपल नहीं है जितना आपके ग्रीन एलगी और ब्राउन एलगी में ठीक इतना डेप्थ में आपने नहीं जाना बस आपने इतना ही पढ़ना है कि कुछ स्ट्रक्चर्स यहाँ पे बताता है एक्चुअली जाइवोड जब वो होता है ना तो डिफरेंट डिफरेंट सेल्स बना के डिफरेंट डिफरेंट टाइप डेवलपमेंटल स्टेजेस शो करता है बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन फिर भी थोड़ा सा शो करता है एंड दैट्स वाई कॉम्प्लेक्स बताया गया इसे इसके कॉमन मेम्बर्स आपके पॉलिसिफोनिया प्रोफाइरा ग्रासिलेरिया एरिया ये आपने याद रखना है क्यों क्योंकि इनसे आपका क्या बना था अगर बना था आपका ठीक सो हेयर वी फिनिश आपको रेड एल्गी में क्या याद रखना है एक तो आपको इनका पिगमेंट याद रखना है दूसरा सबसे डेप्थ में भी आपको जो एल्गी मिलेगा वो आपको रोडोफाई से मिलेगा तीसरा जो है ये इनका जो फूड स्टोर होता है फ्लोडीन स्टार्च से होता है जो किससे से मिला रखता है अमाइलोपैक्टिन ग्लाइकोजन से एंड फोर्थ इसका है कि इनमें नॉन मोटाइल स्पोर्ट्स या नॉन मोटाइल गैमेट्स बनते हैं आपको ये टेबल दिया हुआ है टेबल थ्री पॉइंट वन देखिए इसमें अगर ये टेबल आपको अच्छे से हो जाए और बाकी सबसे आप इनका मेन एग्जाम्पल याद कर लो सो आपका डन है एल्गी क्लोरोफाइसी इसे ग्रीन एल्गी कहते हैं इसके अंदर पिगमेंट ए बी है फूड स्टोर होता है स्टार्च में थोड़ा बहुत प्रोटीन होगा उनको मिला के हम क्या कहते हैं पायरोनॉइड सेलोलमेन सेलोलोजिक होता है फ्लाजिला दो से आठ हो सकता है इक्वल है एपिकल है एपिकल का मतलब जैसे ये था तो ये जो यहाँ पे आए इसे एपिकल कहते हैं टिप पे हैबिटेट आपको ये फ्रेश वाटर ब्रैकिश वाटर सॉल्ट वाटर तीनों जगह मिल सकते हैं फ्योफाइसी ब्राउन एल्गो को कहते हैं इनके पास क्लोरोफिल ए सी है उसके अलावा फ्यूजान्थिन है थोड़ा बहुत आपको कैरोटिनॉयड भी मिलेगा और स्टोर्ड फूड मैनीटोल लैमिन एरिया है जो क्या है कार्बोहाइड्रेट है सेलुलोज हैं और एलजिन प्रेजेंट है एलिजिन सिर्फ आपको वेजिटेटिव सेल्स में मिलेगी फ्लाजलाइन के दो हैं अन हैं और लेटरल हैं कहाँ मिलेंगे आपको फ्रेश वाटर में बहुत कम मिलते हैं मेनली आपको ब्रैकिश और सॉल्ट वाटर में मिलेंगे थर्ड इज योर रोडोफाई से रेड एल्गी क्लोरोफिल ए डी एन आर फाइव को एरिथ्रिन जो रेड कलर के लिए ज़रूरी है स्टार्च में भी है फूड के लिए कौन सा स्टार्च है फ्लोरिडी किससे मैच करता है ये आपका माइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन से सेलोअल इनका है सेल्यूलोस है उसके अलावा पिक्टिन है और पॉलीसल्फेट के एस्टर्स भी हैं और रेड रोडोफाइसी ही थोड़ा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर शो करता है इन दोनों के कंपेरिजन में फ्लाजेला इनके पास ऑल टुगेदर एबसेंट है हैबिटेट इनका कुछ फ्रेश वाटर में भी मिल सकते हैं ब्रैकिश वाटर में भी बट मेनली आपने मिलने कहाँ पे सॉल्ट वाटर में ठीक सो दिस वॉस ऑल अबाउट एलगे आई होप इट इज़ क्लियर और अगर किसी तरह का कुछ डाउट है सो डू मैंशन इन कमेंट